अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी एक है, उनके अध्यक्ष को वो पप्पू बोलते हैं, उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चौकीदार चोर बोलते हैं। समाजवादी तो नहीं कह रहे कुछ, तो कम से कम अगर जनता रास्ता दिखाएगी। अब कोई ये भी कह सकता है कि आप इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो उनसे। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो इसका मतलब आप कमजोर नहीं है। तो समाजवादी लोग अपने भाषा और व्यवहार को ठीक रखना जानते हैं, और कभी भी अगर ऐसी परीक्षा आई उन घड़ी में भी समाजवादियों ने अपने भाषा और व्यवहार का संतुलन रखा है। और आपने परीक्षा पहले दी भी है, कई ऐसे मौकों पर समाज ये साबित हुआ है कि कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, लेकिन कई बार जब टोंटी वाली बात आई तो मैंने चिलम वाली बात जरूर जोड़ दी उसमें। अपना बहुत व्यवहार नहीं बदला, लेकिन एक सीमा के अंदर वो बात उन तक पहुंचा दी कि उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक दुश्मनी ऐसी करोगे तो थोड़ा बहुत समाजवादी लोग भी जानते हैं कि कैसे कहां से क्या ढूंढा जाएगा।